आखिरकार किस तरह से मारा गया कानपुर घटना का मुख्य आरोपी विकास दुबे कानपुर वाला। इस पूरे घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कहती है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। जिम लेके आ रहे थे स्किडो के, यहाँ पे डिवाइडर में टकरा के पलट के गिरा है, गाड़ी डिसबैलेंस होके गिरा है और इसमें जो जवान घायल हो गए थे, इसमें जो उसी समय मौके का फायदा उठा के भागने की कोशिश किया, पिस्टल भी छीन लिया था उसने और उसी समय जो है ये घटना हुई है। उन्होंने पीछे जो एसटीएफ आ रही थी उन्होंने उसको अरेस्ट करने की कोशिश किया है, उसी में गोली चली है, तो घायल हुआ है, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, वहां पे जो डॉक्टरों ने उसके इलाज के दौरान चुप रहिए को लाया जा रहा था और यहां पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें राजा उठा करके जाते हैं, उसने जो विवेचक थे उनकी पिस्टल छीन करके भागने लगा, जिसमें एसटीएफ की टीम बैकअप में वहां पर आ गई जाते हैं और उसमें मुठभेड़ हुई है और इसमें विकास दुबे घायल हुआ, उसको अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसका जवान भी घायल हुए क्या? और हमारे जो कुछ सिविल पुलिस के लोग भी थे, दो तीन लोग हैं, आईजी साहब को हमने वहां भेजा हुआ है और जो घायल हम उनको ट्रीटमेंट के लिए देते हैं वहाँ व्यवस्था देखने गए। सर कितनी गोलियां लगी है? अभी एक मिनट देते हैं, अभी हम अस्पताल पहुँच करके मिनट लेकर के देते काउंटर का स्थान कौन सा है जहाँ पर हम लोग मौजूद है? यही घटना पिस्टल छीनने की क्या बात है, कितने बजे पिस्टल छीनी है? पचौड़ी साहब हैं जैसे उनकी साथ में आ रहे थे और उनकी पिस्टल छीन करके जाते हैं, जैसे बताया गाड़ी पलटी है जाते हैं उसका फायदा उठा करके वो पिस्टल छीन करके जाए। पहले पिस्टल छीनी की पहले गाड़ी पलटी गाड़ी पलटी है, यहाँ पर हमारे लोग हैं मौजूद हैं। जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसके बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ जो बाद में हॉस्पिटल में लाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है। इसके बारे में ऑफिशियल वर्जन जब आएगा तो मुख्यालय के द्वारा रिलीज किया जाएगा। बयान में क्या कबूला था अभी तक? कुछ बातें निकल गई। अभी एक वही चीज़ है, अभी तो रास्ते में आ ही रहा था, अभी यहाँ पूछताछ कहाँ हुई थी, पूछताछ के बाद अभी इसके बारे में ऑफिशियल बयान जारी किया जाएगा। एक्सीडेंट में क्या लापरवाही रही, क्या इन चीज़ों को भी देखा जाए? ये अभी जब ऑफिशियल वर्जन जारी किया जाएगा उसमें सभी चीज़ें रहेंगी। सर जिन पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है क्या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, कुछ बातें निकल के आई हैं? अभी ये तो विवेचना का प्रश्न है, इसको देखा जाएगा।